guided by business organization. Next is population shifts. पॉपुलेशन शिफ्ट्स इट मीन्स दैट जो पॉपुलेशन की का जो संरचना है एंड उनका जो शिफ्टिंग है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस लाइक माइग्रेशन एंड अदर थिंग्स, तो वो कितना है अगर पॉपुलेशन वर शिफ्टेड टाइम टू टाइम फॉर वेरियस रीजन, चाहे डिजीजेज के कारण हो या फॉर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट हो या फिर किसी भी अन्य रीजन से हो, तो इफ पॉपुलेशन गेट शिफ्टेड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑफेनली देन दैट सोशल एनवायरनमेंट नॉट एज्यूमिंग एज गुड, बिकॉज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस एनवायरनमेंट गेट फ्लूएस व्हेन पॉपुलेशन हैज एस्टेबिलिटी एंड थ्रू एस्टेबिलिटी दे कैन स्टेबल their needs and they can came under in the supply chain of business products, they can enjoy products easily, and business organization also get benefit for a shift stable population. Next is educational system and literacy rate. Educational system and literacy rate make people's intelligent, makes people forward thinking, and that is very much needed for mechanization, technologization and marketization of various goods, services and consumer goods for their life purpose. So educational system make forward people or forward society, educated society, literate society always assume as a good social environment for business purpose, and it is a good indicator of business environment also. Next is consumption habits. Consumption habits ki agar hum baat kare to abhi aap jante ki consumption habits not only give a due effect on business environment but also give the direction of production process and production activities and product. तो consumption habits technical goods के प्रति, luxurious goods के प्रति, हानिकारक goods के प्रति भी. अभी तो हम शराब का भी देख रहे हैं कि कोरोना काल में जब शराब पर से पाबंदियां उठी है तो बड़ी बड़ी लाइनें लगी हैं. तो consumption habits direct the direction of business products and organization product. तो consumption habit कैसा है समाज का, कंजम्पशन हैबिट्स वर गेट चेंज टाइम टू टाइम ग्रेजुअली, तो इसको भी देखना होगा. और ये एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है सोशल एनवायरनमेंट का, जो बिजनेस के ऑर्गेनाइजेशन के दशा दिशा निर्माण की गतिविधि प्रक्रिया और निर्माणित वस्तुओं को देखती है और उनको फिक्स करती है. नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ फैमिलीज. कंपोजिशन ऑफ फैमिलीज, पुराने समय में संयुक्त परिवार होते थे एंड कंपोजिशन संयुक्त परिवार में बहुत तरह के वैरायटी ऑफ नीड्स वर वैरायटी ऑफ गुड्स वर नीडेड बाय दैट पर्टिकुलर फैमिली, बट नाउ देयर इज अ न्यूक्लियर फैमिली और सिंगल फैमिलीज हैं जो एकल परिवार हैं, उसमें फैमिलीज वर डाइवर्सिटी ऑफ नीड्स नहीं है. तो कंपोजिट फैमिली और सिंगल फैमिली, दिस ऑल्सो हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट ओवर सोशल एनवायरनमेंट एंड इट ऑल्सो इन्फ्लुएंस द प्रोडक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर टुवर्ड्स देयर प्रोडक्ट्स. एटीट्यूड, नेक्स्ट एटीट्यूड टुवर्ड्स प्रोडक्ट इनोवेशन लाइफ स्टाइल. पूरे समाज का एटीट्यूड नए प्रोडक्ट के बारे में, यानी टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स उनके कितने हैं, टेक्नोलॉजिकल अट्रैक्शन कितना है, हाउ दे टेक न्यू टेक्नोलॉजीज. तो टेक्नोलॉजी के बारे में और टेक्निकल गुड्स के बारे में समाज का इनोवेटिव नजरिया क्या है, प्रोडक्ट के अन्वेषण, यानी कि पीपल्स ग्रेजुअली नीड टू बी एनहेंस द प्रोडक्ट क्वालिटी फॉर देयर बेटर सर्विसेज, और they also include these innovative product in their lifestyle. Agar samaj aggressive hai towards new product, innovative products, and they going to mention these products in their lifestyle, then it is very important
significant an element of business environment. Now we have to analyze the significant effect of social environment on business firms. सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स क्या है सोशल एनवायरनमेंट के, तो ट्रेडिशंस हैं। हम जानते हैं कि समाज में जो ट्रेडिशंस होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं बिजनेस के लिहाज से, जैसे ट्रेडिशंस लाइक सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल, गिफ्ट्स, कार्ड्स, कल्चर इत्यादि। तो हमारे यहाँ जो गिफ्ट कल्चर है, कार्ड कल्चर है, साल भर में जो बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा मौका होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने का, उन्हें बहुत तरह की छूट देने का और अपने सामानों को चैनलाइज और सप्लाई और सेल करने का। तो ट्रेडिशंस बनते हैं समाज से, ट्रेडिशंस के थ्रू ही जाना जाता है और ट्रेडिशंस के साथ चलते हैं। दूसरा है ट्रेंड्स, इमर्जिंग ट्रेंड्स ऑफ फैशन एंड हेल्थ केयर। तो जैसे अभी ट्रेंड्स, नए नए ट्रेंड चलते हैं, अभी हेल्थ केयर को लेकर बहुत सारे नए ट्रेंड चले हैं, फैशन को लेकर नए ट्रेंड चलते हैं, तो ट्रेंड्स फॉर इमर्जिंग ट्रेंड्स रिगार्डिंग लाइफ स्टाइल एंड हेल्थ केयर ऑलवेज प्रोवाइड अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू वर्ड्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड फर्म्स टू ग्रो एंड ऑल्सो डेवलप। वैल्यूज लाइक फ्रीडम, सोशल जस्टिस, ये वैल्यूज भी जो हैं, ये जैसे अभी सोशल मीडिया और बाकी सारे आईटी सेक्टर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रही हैं ये वैल्यूज, और इनमें इनका आईटी सेक्टर का बिजनेस डेवलप कर रहा है, बिकॉज थ्रू सोशल मीडिया देयर आर वेरियस चैनल्स बाय विच पीपल्स गिव देयर एडवाइस रिगार्डिंग फ्रीडम एंड सोशल जस्टिस एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो इस तरह से हम लोग आज सोशल एनवायरनमेंट को ख़त्म किए। पिछले वीडियो में हमने इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को ख़त्म किया है। इसका नोट्स आप लोग बना लेंगे फेयर कॉपी में आई होप, और इसको ऑल्सो रिमेम्बर इट। और फिर से एक बार एवरीवन रिक्वेस्टेड टू प्लीज इनरोल योरसेल्फ एज सून एज पॉसिबल, प्लीज प्लीज प्लीज़।